हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मसाला पनीर और सैलेड पनीर बनाना सिखा रहे हैं। ये किसी भी डिप के साथ आप खाइए और कोई सी भी ड्रिंक लीजिए उसके साथ ये पनीर खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। पनीर बनाने के लिए अब हमें दूध लेना है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट वाला या जो भी आपके घर में आता हो। अब कढ़ाई गरम करनी है और इसमें 4 गिलास दूध डाल देना है या फिर 4 कप आप दूध ले सकते हैं। जब दूध में हल्का सा उबाल आने लगेगा तब इसके अंदर हम विनेगर डालेंगे। अब दूध में उबाल आने लग गया है, अब इसमें हम 3 चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं है तो पिज़्ज़ा के साथ जो आती है वो डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा ऑरिगेनो डाला है, ये हमने बनाना सिखाया है, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो के नाम से आप देख सकते हैं। और 1/2 चम्मच नमक और हरा धनिया धोकर बारीक काट लिया है वो डाला है। एक उबाल आने के बाद दूध फट गया है, ये देखिए अब दूध और पनीर अलग हो गया है। इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस तुरंत गैस बंद कर देना है। अब एक छलनी लेकर इस तरह से कपड़ा लगाकर इसे अच्छे से छान लेना है और ठंडा ठंडा पानी डालना है जिससे कि पनीर थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हमें कपड़े की एक पोटली बनानी है, इसे एक प्लेट पे रखना है, कस के इसको पोटली को बांध देना है थोड़ा सा जिससे कि पनीर इसमें अच्छा जम जाए। अब इसके ऊपर हम चकला रखेंगे या कोई भी आप भारी चीज़ रख सकते हैं इस तरह से, और 1/2 घंटा के लिए इसे छोड़ दीजिए। 1/2 घंटे के बाद ये देखिए आप कितना गोल पीस निकला है पूरा पनीर का। अब आप इसे अभी भी खा सकते हैं या फिर फ्रिज में रख दीजिए, 1/2 घंटे बाद भी इसको खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको सैलेड की तरह हम कच्चा भी खा सकते हैं। अगर आपको लगे तो हल्का सा ऑयल लगा के नॉनस्टिक पैन पे गरम करके किसी भी अच्छी सी डिप के साथ इसको आप सर्व करिए तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी सैलेड पनीर खाइए और बताइए आपको कैसा लगा।